हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज में रॉन्ग टर्म कैसे फाइंड करें। जब भी कोई टर्म रॉन्ग होती है तो उसका इफेक्ट या तो उससे प्रीवियस टर्म में होता है या उससे नेक्स्ट टर्म में होता है। तो स्टूडेंट को क्या है, डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है और हम क्या सोचते हैं, या तो उससे प्रीवियस टर्म को क्लिक कर देते हैं आंसर में या तो नेक्स्ट में, और हमारा आंसर जहाँ राइट होना चाहिए वहाँ रॉन्ग हो जाता है। तो हमें नंबर सीरीज में रॉन्ग टर्म फाइंड करने में काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। हम ये सोचते हैं कि किस अप्रोच से करें कि हम हमेशा जो रॉन्ग टर्म है उसे ही आंसर क्लिक करें। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि रॉन्ग टर्म कैसे फाइंड करना होता है कॉन्सेप्ट की हेल्प से। तो आज के सेशन में हम रॉन्ग टर्म फाइंड करना सीखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे किसी सीरीज में कि सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो सीरीज हमारा फर्स्ट एग्जांपल असेंडिंग ऑर्डर में, और जब कोई सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म देखते हैं, फर्स्ट टर्म इज 34 और लास्ट टर्म इज 64। अब मेन चैलेंज क्या है कि एडिशन होगा या मल्टीप्लीकेशन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म का डिफरेंस कर दें। तो डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। सिर्फ डिफरेंस नहीं, डिफरेंस के साथ वो ये देखते हैं कि डिफरेंस फर्स्ट टर्म के रिस्पेक्ट में वो डिफरेंस हाई है या नहीं। तो देखो, फर्स्ट टर्म इज 34 और डिफरेंस अगर मैं कहूँ 30, तो वो डिफरेंस 34 के आगे 34 डिफरेंस हाई कंसीडर नहीं होगा। एंड यहाँ पे ट्वाइस का रिलेशन नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन बिल्कुल क्लियर होता है एडिशन। एडिशन तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो हम पहले डिफरेंस कर लेते हैं, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 एंड प्लस 6, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, प्लस 40। अब हमारे पास देखिए 2, 3, 5 एंड 6। तो आपको ऐसा लगेगा 2, 3, 5, 6 तो यहीं पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है। नहीं, पॉइंट देखना, 2, 3 के बाद अगर मैं इंक्रीमेंट यहाँ पर देखती हूँ लॉजिकल ऑर्डर से, तो यहाँ पे कितने का है 1 का, यहाँ पे कितने का है 2 का। तो अब ये जो ऑर्डर होना चाहिए ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद या तो 3 होना चाहिए या 4। ट्वाइस हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग 1 का ट्वाइस इज 2, तो 2 का ट्वाइस इज 4। और अगर 1, 2, 3 ऑर्डर में है तो अगर हम 3 भी लेके चलते हैं तो 5 प्लस 3 यहाँ पे 8 की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, और 8 54 प्लस 8 तो यहाँ पे 52 होना चाहिए। तो पहली प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 3 की है, सेकंड प्रोबेबिलिटी यहाँ 4 की है, ठीक है। तो 3 के अकॉर्डिंग 52 आता है। और अगर अगेन आगे नेक्स्ट डिफरेंस में करती हूँ 52 एंड 62, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना बनता है आपके पास, तो यहाँ पे डिफरेंस इज 12। और जब मैं यहाँ पे डिफरेंस देखूंगी, ये आपके पास 8 हो जाएगा, 8 एंड 12 का डिफरेंस, तो ये प्लस 4 बनता है। तो 1, 2, 3, 4, पहले तो ये ऑर्डर सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। पहले तो ये लॉजिकल ऑर्डर नेक्स्ट टर्म पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो मुझे सेकंड को क्रॉस वेरीफाई करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और अगर आप 4 लेते हैं तो यहाँ पे 4 लेंगे तो ये 5 प्लस 4 इज 9, 9 प्लस 44 प्लस 9 इज 53, और 53 लेते हैं तो यहाँ पे 11, और जैसे यहाँ पे 11 लेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो देखिए, 4 के बाद यहाँ 8 आना चाहिए डिफरेंस, और 8 नहीं बने तो हम कहाँ पे राइट है, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। 5 प्लस 3 8, यानी ये डिफरेंस 8 होना चाहिए। 44 प्लस 8 यहाँ पे 52 होना चाहिए, यानी 50 इज ए रॉन्ग टर्म, और 50 के प्लेस पे क्या आना चाहिए, तो 52 आना चाहिए। तो हमारी रॉन्ग टर्म क्या है, 50। आपको करेक्ट टर्म भी क्रॉस वेरीफाई करके फाइंड करनी चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट ही रहे कि आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर फाइंड किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज 124, लास्ट टर्म इज 289, डिफरेंस हाई नहीं है, और डिफरेंस हाई नहीं है, लास्ट में ट्वाइस का रिलेशन भी नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 19। अगेन यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 5, एंड ये आपके पास 225। अगेन डिफरेंस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 12 में से 8 इज 4, एंड ये आपके पास 19 में से 30। नेक्स्ट डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 40। नेक्स्ट डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 7, एंड ये 47। अब हमने डिफरेंस किया तो नेक्स्ट डिफरेंस में हमें कुछ भी क्लियर नहीं है, तो हम अगेन डिफरेंस करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंस करेंगे, तो ये कितना आएगा, प्लस 6, प्लस 9, फिर प्लस 6 एंड फिर प्लस 7। अगर हम ऑर्डर देखें लास्ट डिफरेंस का, 6, 9, 6, 7, तो देखो 7 आपको एक हिंट देता है कि सबको 7 बना दो, फिर
बीच में ये ऑर्डर को ब्रेक करता है 9, तो ये 9 भी आपको हिंट दे रहा है कि 9 को डिक्रीज किया जाए, तो 9 में से अगर मैं 1 राइट साइड और 1 लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, तो यहाँ पर 1 दूंगी तो ये 7 बन जाएगा, और यहाँ पर 1 ट्रांसफर करेंगे ये भी 7 हो जाएगा, और 1 इज राइट साइड एंड 1 लेफ्ट साइड मैंने इसमें से डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो यहाँ पर 2 इसमें से डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो कितना रह जाएगा 7, तो लास्ट डिफरेंस 7 बनेगा यानी। तो लास्ट डिफरेंस हमें क्या करना होता है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंटेन करना होता है, या इक्वल ऑर्डर में मेंटेन करना होता है, या डिसेंडिंग। तो यहाँ पे इक्वल मेंटेन हो रहा है, और फर्स्ट डिफरेंस ऑलवेज इक्वल की होती है, तो यहाँ पे इक्वल मेंटेन हो गया। अब हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग से फर्स्ट चेंजेस किस में है, तो देखिए 6 की जगह 7 हुआ है, तो 19 प्लस 7 अब आपके पास कितना होगा 26, और अब 143 में 26 ऐड करेंगे तो 168 के प्लेस पे, ठीक है, कितना आना चाहिए 169। और देखो ऑर्डर को लास्ट में कौन ब्रेक कर रहा था, तो ऑर्डर को ब्रेक कर रहा था 9, उसके जस्ट सामने वाले की प्रोबेबिलिटी होती है रॉन्ग होने की। मैंने आपको यहाँ पे ये चीज क्लियर नहीं की कि अगर हम कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए जला लास्ट डिफरेंस आया 6 9 6 7, इसमें कौन ऑर्डर को ब्रेक कर रहा है 9, 9 के जस्ट सामने वाले की टर्म की प्रोबेबिलिटी होती है कि वो रॉन्ग हो। फिर हम राइट टर्म फाइंड करके उसे क्रॉस वेरीफाई करते हैं जो हमने अभी किया है, और उससे हमें क्लियर हो गया है कि 168 ही एक्चुअल में रॉन्ग है, उसके प्लेस पे 169 आना चाहिए, हमारी रॉन्ग टर्म इज 168 के प्लेस पे 169 आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट जो हमारी सीरीज है, सीरीज में अगर हम देखें तो हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एक साथ विजिबल हो रहा है, और यहाँ पे एक फर्स्ट टर्म बेसिकली डिक्रीज है, और यहाँ पर कुछ पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, तो ये फंक्शनैलिटी हमारे पास सिर्फ एक ही मैथमेटिकल ऑपरेशन के पास होती है, या तो एड मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड, ये फंक्शनैलिटी एडिशन के पास नहीं होती। अगर मैं यहाँ से सीरीज को सिर्फ एक 6 को इग्नोर करके बात करें, तो सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, पर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों की फंक्शनैलिटी एडिशन के पास नहीं होती है, मल्टीप्लिकेशन के पास होती है, कि वहां वो कभी इंक्रीज करने का रोल भी प्ले कर सकता है और कभी डिक्रीज करने का भी, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी हमारी किस मैथमेटिकल ऑपरेशन के पास है, मल्टीप्लिकेशन, तो हमें क्लियर होता है कि इस सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। अब हमें देखिए कि 10 से 3 कैसे पॉसिबल है, तो देखो 1/2 से मल्टीप्लाई करूं 10 की तो 5, और -2 कर दिया जाए तो 3 मिलता, ठीक है। नेक्स्ट में किससे 1 से मल्टीप्लाई कर दी जाए 3 की एंड +4 किया जाए तो आपके पास +7 मिलता। अब ऑर्डर मिल रहा है 1/2 से 1 से, तो यहाँ पर आपके पास किससे 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 से भी हो सकता है 3 से भी, दोनों से क्रॉस चेक करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई अगर हम आपके पास 2 से ही होगा, ट्वाइस के अकॉर्डिंग भी और नेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी, तो 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास रियली वैल्यू क्या आएगी, 7 × 2 = 14, पर यहाँ 6 है तो -8 किया जाए, ठीक है। तो क्या ये सही है, -8 + 2, यहाँ पे -6 भी हो सकता है, 14 में 6 6, तो 8 की प्रोबेबिलिटी बनती है। अब यहाँ पर -6 भी हो सकता है, -8 भी, दोनों की। अब मैं आगे क्रॉस चेक करती हूँ, पहले मैं 6 के अकॉर्डिंग देखती हूँ, तो देखिए 1/2 1 एंड 2, तो देखो ये तो क्लियर होता है कि हाँ मल्टीप्लाई जो होना चाहिए ना वो 4 से होना चाहिए, और यहाँ पे अगर मैं रिलेशन देखूं तो 8 टाइम का रिलेशन आपको विजिबल है, विच इज भी क्लियर है कि 40 के 8 से करूं तो 320, 310 उसके नियर है, तो यहाँ पे ट्वाइस हो रहा है। अब देखो 6 के 4 से करती हूँ तो 24, और यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस, तो प्लस आएगा, अब प्लस क्या होना चाहिए, +16, और 24 में +16 करती हूँ तो 40 सेटिस्फाई होता है, पर किसके अकॉर्डिंग, 6 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 8 के अकॉर्डिंग नहीं, 8 के अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 8 × 4 = 32, ठीक है, और फिर आप इसमें +8 करें तो भी आपके पास 40 क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। पर अगर मैं ये ऑर्डर नेक्स्ट में देखूं, 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए -8 यहाँ +16, तो यहाँ -32 होना चाहिए, और 40 × 8 करते हैं 320, और 320 − 32 तो ये सेटिस्फाई नहीं। तो अब हमें क्या कंफ्यूजन मिला कि हम जो पहले वाला करेक्शन सोच रहे थे वही यहाँ पर चेंजेस होंगे, यानी यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन होगी ना, मल्टीप्लिकेशन तो उन्हीं ऑर्डर से है, पर जो यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ना, जो हमने 8 सोचा था, 8 की जगह एक्चुअल में 6 ही होगा, 8 की जगह एक्चुअल में क्या होगा, 6 ही। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई 14, 14 - 6 करते हैं तो 8 आता है, अब 8 की आप 4 से मल्टीप्लाई करें
ठीक है, 32 + 8 करें तो 40 सेटिस्फाइड। नेक्स्ट 8 से मल्टीप्लाई, ठीक है, आपके पास यहां पर क्या है -6 और प्लस। अब 8 से मल्टीप्लाई और -10 करते हैं तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 3 10। तो प्लस माइनस आपके पास क्या चल रहा है -2 + 4 - 6 + 8 एंड -10, ये ऑर्डर चल रहा है एंड मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1, 2 एंड 4 एंड 8। ठीक है, तो यहां पर आपके पास 2 से मल्टीप्लाई माइनस 6 करके वैल्यू 6 के प्लेस पे 8 आनी चाहिए, यानी आपकी रॉन्ग टर्म क्या है, तो रॉन्ग टर्म इज 6, 6 के प्लेस पे क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारी सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर में दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट टर्म इज 1 और लास्ट टर्म इज 33, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन की पॉसिबिलिटी। मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे ट्वाइस का रिलेशन भी मेंटेन है, डिफरेंस हाई है। तो देखिए 1 से 3 कैसे आ सकता है आपके पास, तो 1 की अगर हम बात करें 1 से मल्टीप्लाई करें प्लस 2 करें। 3 से 7 कैसे आ सकता है, 2 से मल्टीप्लाई एंड प्लस, सॉरी प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर अगर हम ऑर्डर देखते हैं आपके पास, तो ये भी 2 से, तो यानी पहले वाला ऑर्डर जो मैंने लिया वो यानी रॉन्ग हो गया 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई तो सब में 2 से ही हो रहा है, तो मुझे इसे भी वैसे ही चेंज करना होगा। तो यहाँ पे 1 से 3 कैसे आ सकता है, सेकंड पॉसिबिलिटी इज 2 से मल्टीप्लाई प्लस, तो 7 से 15 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1, 15 से 33 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट टर्म अगर हम देखें 15 की 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1, तो कितना आता है यहाँ पे इस ऑर्डर से 31 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 7 × 2 = 14 + 1 = 15 सेटिस्फाई हो रहा है, 3 × 2 = 6 + 1 = 7 और 2 × 1 = 1 and + 1 = 3। तो यहाँ पे 33 एक ऐसी वैल्यू है जो रॉन्ग हो रही है, यानी 33 के प्लेस पे क्या आना चाहिए 31, तो रॉन्ग टर्म इज 33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारी सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर में मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे डिफरेंस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस इज प्लस 4, नेक्स्ट डिफरेंस इज आपके पास 27, नेक्स्ट डिफरेंस यहाँ पे करेंगे तो 6 and 1 = 16, नेक्स्ट डिफरेंस करेंगे 10 में से ये 3 एंड नेक्स्ट डिफरेंस आपके पास 18 में से 12 एंड नेक्स्ट डिफरेंस यहां से करेंगे तो ये 8 एंड ये 30। अब डिफरेंस को अगर हम देखें तो डिफरेंस हमारे पास फर्स्ट इज इट 4, 4 इज इट 2 का स्क्वायर, ठीक है, 27, 3 का क्यूब, देन 4 का स्क्वायर, 2, 3, 4 ऑर्डर है और क्यूब स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर, तो अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, तो अब 5 का 2, 3, 4, 5 होना चाहिए बट क्यूब होना चाहिए, 5 का क्यूब इज 125, 67 में 125 ऐड करेंगे तो 192 होना चाहिए, और जैसे ही 192 का ये डिफरेंस अपने आप मेंटेन हो जाएगा 36 और 36 इज 6 का स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म अपने आप करेक्ट हो जाएगी, तो यानी आपकी रॉन्ग टर्म क्या है, तो रॉन्ग टर्म इज 190 के प्लेस पे क्या आना चाहिए 192 इज करेक्ट टर्म एंड रॉन्ग टर्म इज 190। ठीक है, तो आपका आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। चलिए आप लोग कमेंट में इसमें जरूर बताइएगा कि आपको रॉन्ग टर्म फाइंड करना कैसा लगा, कैसे हमने इजी वे में सीखा है। ठीक है, अगर आपको मेथड अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, तो हमारी सीरीज गिवन है, सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में, मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट यहाँ पर एक फर्स्ट टर्म डिक्रीज हो रही है, और जो फर्स्ट टर्म डिक्रीज हो रही है ना वो जस्ट हाफ है, जस्ट यहाँ पे अप्रोक्सीमेट हाफ हो तो ये हमारी सीरीज क्या कहलाती है, हाफ पैटर्न सीरीज। ठीक है, अगर हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, या तो अप्रोक्सीमेट हाफ हो या जस्ट हाफ हो, तो हमारी सीरीज क्या कहलाती है, हाफ पैटर्न सीरीज। तो हम इसमें कैसे चेक करेंगे, 90 से 45 कैसे आ सकता है 1/2 से, देन 45 से 45 इज 1 से मल्टीप्लाई, देन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 से। अब 45 की 3/2 से, तो देखिए 45 का 22.4 ऐड करते हैं तो वही आ रहा है। नेक्स्ट इज 2 से मल्टीप्लाई, तो ट्वाइस भी है। अब लास्ट टर्म ही रह गई है, यही कहीं ना कहीं रॉन्ग होगी। अगर 135 की 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, पहले हम इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 500 और 35 की 225, तो आपके पास 725।
7:30, 25 नहीं, 35 × 70, 70, 70 एंड 5 5 जो 25 का 5, वन कैरी फॉर टू कैरी फॉरवर्ड, 5 3 15 एंड 17 का 7, वन कैरी फॉरवर्ड, ठीक है 675 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आना चाहिए आपके पास 3 एंड अगेन 3 एंड ये आपके पास 7 टाइम और ये 5, 337.5 और आपके पास यहाँ नेक्स्ट टर्म क्या है 336.5, तो रॉन्ग टर्म क्या है 336.5। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।